अधिकारी के ऊपर जो हमला किया गया है, ये कानून व्यवस्था की मौत है। ये आज का काला दिन है। एक सिटिंग एमएलए जिसको पब्लिक ने जीत के दी है, उसकी गाड़ी में खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, गाड़ी के कांच तोड़ते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। ये न्याय व्यवस्था का आज काला दिन है। जितेंद्र वाड़ साहब के साथ जो हुआ उसका हम निषेध करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जो लोगों ने इसी निंदा किया है, जो उनकी गाड़ी का पथराव किया है, उनको अरेस्ट किया जाए, उन्हें सबसे सख्त आंदोलन के लिए वो आवाज़ साहब पे जो हमला हुआ है उसके लिए बैठे, और जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग यही बैठ के आंदोलन करेंगे। माध्यम से कहना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कल जब भी एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था जिसमें एक आदमी बोल रहा था कि हम हवाड़ साहब पे हमला करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में तकरार नोंदनी की थी। उस तकरार पे वर्तक नगर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आज का हल्ला है। गृह मंत्री ने इस हल्ले की पूरी जिम्मेदारी लेके त्वरित रेजिग्नेशन देना चाहिए, यही हमारी आज मांग है। जिन्होंने हमला किया वो स्वराज्य संस्था और महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री, सबकी मिली मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा हिंदी में मिल जाएगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, जितेंद्र